हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और भोर सुबह सुबह उठते ही एक बहुत ही बड़ा काम मैं कर रहा था, फाइनली वो काम को फिनिश करके खाना बना खा करके अभी जा करके ब्लॉग्स को मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। तो वो काम पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा न्यू घर का दरवाज़ा, देखिए एकदम न्यू दरवाज़ा बनाया हूँ दोस्तों। ये पुराना वाला है, ये टूट फूट तोड़ फोड़ होकर के ये बर्बाद हो गया है। और उधर तो गवर्नमेंट से ही मिला था उस रूम का। इस रूम का दरवाज़ा हम लोग टेम्पोरारी ही बना रहे हैं, इधर धान फान हम लोग रखे हैं इधर रहने के लिए। लकड़ी का नहीं तो टिन लोहे का ही हम लोग लगाएंगे, बट अभी काम चलाने के लिए ये दरवाज़ा मैं बनाया हूँ। बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला बनाया हूँ, अच्छे से थोड़ा आप लोग को पास से दिखा रहा हूँ। देखिए बांस और ये नेट, देखिए अभी टोटली मुर्गी अंदर नहीं जा पाएंगे। पहले से ये टूटा फूटा दरवाज़ा से हम लोग क्लोज करके रखते थे ना, मुर्गी अंदर जा करके हमारा धान साहब को खा रहे थे। सभी अच्छा अच्छा बुरा को होल करके धान साहब खा रहे थे डेली डेली ही। बट आज सुबह से ला करके ये काम फिनिश करने के बाद टोटली और मुर्गी अभी अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। कुछ भी बताओ, बट अभी अच्छा लग रहा है। पापा भी बहुत तगड़ा खुश हो गए हैं और अभी चले गए हैं पापा बकरी चराने के लिए। और देखिए टोमी आज नहीं गई है, आज मैं नहीं गया ना बकरी चराने के लिए, इसी वजह से ये भी नहीं गई है। hey, टोमी टोमी कुतु आ सो जाओ, रेस्ट करो। सजा चढ़ करके पूरा रेडी हो गए हैं दोस्तों। और आज हमारा ओडिशा में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, शायद ओडिशा में भी और आउट ऑफ स्टेट में भी सेलिब्रेट करते हैं, बट मुझे पता है ओडिशा में ही शायद ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल का नाम है छतुआ दोस्तों। ओडिशा के लोग समझ पा रहे होंगे, बट आउट ऑफ स्टेट के लोग नहीं समझ पा रहे हो तो छतुआ फेस्टिवल को क्या फेस्टिवल बोलते हैं आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दो। तो उसी फेस्टिवल के लिए ही मैं मार्केट जा रहा हूँ मार्केटिंग करने के लिए, पूरा रेडी हो गया हूँ। और ये फेस्टिवल के लिए ही कल रात को पापा पूरा चकाचक किए थे हमारा घर को, थोड़ा रात में गोबर फोबर सब कुछ दिए थे, बरौंडा फरौंडा टोकाटोक दिए है। इधर भी देखिए पूरा साफ सुथरा। मैं मार्केट पहुंच गया हूं और मार्केट गैदरिंग उतना ज़्यादा नहीं हुआ है दोस्तों, फाका फाका ही लग रहा है। और मैं अकेला नहीं आया हूं, साथ में मेरा दो दोस्त आए हैं। और हम लोग हमारा गांव का पास का मार्केट को छोड़ करके दूर का मार्केट आए हैं, वेस्ट बंगाल मार्केट। हम लोगों को लगा कि इधर का मार्केट में थोड़ा सस्ता में मिलेगा। इधर का मार्केट थोड़ा बड़ा भी है दोस्तों, और गाँव के पास में जो मार्केट हो रहा है वो थोड़ा छोटा है। बट इधर भी आज फेस्टिवल है ना, इसी वजह से मार्केट महंगा ही चल रहा है। तो मुर्गा मार्केट अभी आ गए हैं, थोड़ा पूछ लेते हैं, पालने के लिए मन कर रहा है दोस्तों। हमारा मुर्गा ख़त्म होते जा रहे हैं, मार रहे हैं। एगुला दादा 800 टका जोड़ा कपुल्स 800, बाप रे मानना पड़ गया। ए फूलो देखना वजन कितने, वो देखना आरोटा देख बड़ोटा देख, वो बड़ा वाला को देखो। हाँ बस वेट कितना होगा, वेट कितना होगा, 600 ठीक है, 600-700 ग्राम होगा तो ठीक है। ठीक है प्राइस बोला है दोस्तों, जोड़ा 500, बहुत बढ़िया प्राइस तो कह लूँ। कपुल्स 500 लेकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा उधर पानी का शॉर्टेज है, तालाब फलाब कुछ भी नहीं है, कहाँ पर नहलाएंगे नहीं कहाँ पर रहेंगे। किधर गया और प्रभु आगे पीछे है। हाँ हाँ उसका लग गया शायद, मन में लग गया है मुर्गा लेकर ही जाएगा। तो ही हम लोग कन्फ्यूज में पड़ गए, हम लोग देसी चिकन ले या इस ब्रॉयलर चिकन ले या मटन ले, बट सब प्राइस ही महंगा ही चल रहा है दोस्तों। अभी जा रहे हैं जिधर लड़ाई करते हैं मुर्गा मुर्गी को लड़ाई करते हैं उधर जा रहे हैं, अगर कोई बेचेगा तो बढ़िया होगा, नहीं सस्ते में मिलेगा, क्योंकि नशा करके लड़ाई करते हैं ना, दारू पी करके नशा में रहते हैं, सस्ता में मिलेगा तो बढ़िया बात है। शायद अभी तक मुर्गा लड़ाई शुरू नहीं हुआ है दोस्तों, चारों तरफ बांध करके रेडी करके रखे हैं मुर्गा साहब को। जहाँ पर लड़ाई करते हैं वो फील्ड पूरा फाके ही दिख रहा है, इस तरफ लड़ाई करते हैं दोस्तों, उधर देखिए सामने जो ग्राउंड फाके ही दिख रहा है उधर लड़ाई करते हैं। और देखिए ना मुर्गा कितना बड़ा बड़ा लेकर आए हैं, और अलग अलग ब्रीड के मुर्गा लेकर आए हैं। चलो केला कटा, अमन नहीं अमन भाई के जी 180, बाप रे मानवा को पड़ो मानना पड़ेगा दोस्तों, 180 केजी पर केजी। और छुटिया उड़ा छुटिया उड़ा 160 मैं डिफरेंट किसी नहीं, से चर्बी वाला ये नॉर्मल वाला बस। दादा कत 30 टका केजी
20 टका चले चले जे ओ भाई देखिए पहले से 20 रुपए पर केजी बेच रहे थे बट अभी बढ़ गया है आज फेस्टिवल है ना शायद इसी वजह से डिसीजनल तो यार सब कुछ ही महंगा चल रहा है और इधर देखिए ना चाइना मार्केट आया है जैसा लग रहा है इधर देखिए लंबा है लंबा एकदम चाइना मार्केट जैसा लग रहा है नहीं बैंक बैंक रखे जैसे नहीं चलो चलो पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट चिकन फिकन तो सब कुछ महंगा ही चल रहा है A few moments later. क्या कह रहे थे मेरा मेरा पूजा करते जा रहे हैं पूजा करते जा रहे थे या पूजा करके आए हो आई हो हाँ तो यार मैं अभी मार्केट से आ गया हूँ और पापा बकरी चराने के बाद पूजा करने के लिए गए थे पूजा करने के बाद पापा भी वापस घर लौट कर आए हैं और मैं उतना ज़्यादा मार्केटिंग नहीं किया हूँ दोस्तों मार्केट में सिर्फ मसाला और चिकन ही मार्केट करके आया हूँ बट मैं जब मार्केट में चिकन खरीद रहा था तब मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों बहुत ही बड़ा चिकन प्राइस पर के जी 250 रुपये चल रहा था तो मैं 1 kg लिया और 500 दिया तो मुझे 400 दिया 400 रुपीज़ मैंने दिया और पर केजी 250 रुपीज़ चल रहा था बट वो मुझे लौटाया 250 रुपीज़ तो मेरा प्रॉफिट हुआ है 100 रुपीज़ तो जब मुझे पता चला तब ही मैं सोच रहा था कि ये पैसे मैं नहीं लूँगा और दुकान वाला को ही मैं लौटाऊँगा बट मुझे बहुत ही लेट होकर के पता चला दोस्तों बहुत ही लेट होकर के लगभग आधा घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा के बाद ही मुझे पता चला जब मैं दूसरा मार्केटिंग कर रहा था तब जाकर के मुझे पता चला कि नहीं मुझे वो दुकान वाला ज़्यादा ही पैसे लौटा दिया है तो दोस्तों ने मुझे बोले कि मत लौटाओ ये पैसे हम लोग एंजॉय करेंगे खाएंगे मस्ती करेंगे तो मैंने सोचा चलो दोस्तों ने बोल रहे हैं तो ये पैसे से हम लोग मस्ती करेंगे और वो पैसे से हम लोग मस्ती किए वो ही मैं गलत किया हूँ या सही किया हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो और ये चीज़ करना सही या गलत है जैसे हुआ आपका इतना भला हुआ नहीं उतना भला नहीं हुआ इतना बढ़िया नहीं हुआ है नहीं चलो दिखाओ ना ओ भाई छोटे छोटे ही हुआ है नहीं हाँ हाँ चलो 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 हाँ धान थोड़ा ख़राब था ना शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है हाँ तो यार उसी दिन जो पापा देकर आए थे चावल धान तो वही धान का आज मुरमुरा लेकर आए हैं आज तो पोणा संक्रांति है ना उड़ीसा में मुढ़ी छतुआ फतुआ खाते हैं और साथ में क्या क्या खाते हैं अपन हमारा वो तरबूज फरबूज ये सब क्या क्या करके खाते हैं दोस्तों हम लोग वो सब नहीं खाएंगे हम लोग सिर्फ यही मुरमुरा को छतुआ गुंड बना करके हम लोग खाएंगे नहीं चलो अभी ठीक है ना अभी इसको ग्राइंड करना पड़ेगा दोस्तों और दिल से धन्यवाद आप लोग मुझे कमेंट करके एडवाइस देने के लिए फाइनली हमारा पीक पूरा ठीक हो गया है दोस्तों हम लोग पॉइजन देने के बाद पूरा ठीक हो गया है देखिए अभी रेस्ट ले रही है एकदम ओके सब कुछ ठीक हो गया है और आप लोग जो मुझे एडवाइस दे रहे थे वो एडवाइस हम लोग पहले से ट्राई कर चुके हैं बहुत बार ये पीक के ऊपर नहीं ऐसे बकरी मुर्गा कुत्ता पीक के ऊपर पहले से हम लोग ट्राई कर चुके हैं बट तब काम नहीं किया दोस्तों पेट्रोल डीजल पीजल सब कुछ हम लोग ट्राई किए हैं वो पेन काम होने के लिए ही काम करता है बट वो कीड़े सब मारते नहीं है और जहर देने से पूरा मार जाते हैं पूरा ख़त्म हो जाता है दोस्तों और देखिए हम थोड़ा बहुत ही पॉइजन दे दिया पूरा ठीक हो गया अभी पूरा फिट फट घूम रही है देखिए गर्म कितना ज़्यादा लग रहा है बहुत ज़्यादा ना हाँ हाँ जान निकल जाएगा जैसे हाँ बहुत तगड़ा धूप दिया है दोस्तों और पापा मुझे तब बोले थे कि बेल दोनों को आप थोड़ा बहुत रिप्लेस करो और पानी फानी थोड़ा पिलाओ लेकिन मैं भूल गया हूँ दोस्तों पूरा 3-4 घंटा हो गया हम लोग को रिप्लेस भी नहीं किए पानी देने के लिए भी मैं भूल गया अभी डायरेक्ट लाने के लिए जा रहे हैं और ये रोड काम करने के लिए मुझे बुला रहे थे दोस्तों ये रोड के ऊपर मुरूम फुरूम डाल दिए थे और मुरूम सबको पैरेलली प्लेस करने के लिए बोल रहे थे जैसे अभी प्लेन कर लिए हैं पहले से अप डाउन गादी गादी था बट अभी प्लेन कर लिए है दोस्तों और कंप्लीट हो गया है पूरा चारों तरफ कंप्लीट कर लिए हैं मोटू पतलू सोच रहे होंगे हमारा मालिक किधर गया अभी तक नहीं आया इतना लेट हम लोग को रिप्लेस भी नहीं किया और पानी फानी भी टोटली नहीं पिलाया हम लोग को इसे धूप में ही खुंटा कर चला गया है ये बोतल साफ करने वाले हो नहीं हाँ चलो साफ करो उसमें क्या था किरोसिन या तेल क्या था बोतल में कैसा स्मेल हो रहा है किरोसिन जैसा चलो चलो सब करो कुछ भी नहीं था शायद और इधर सुनो ये रहा रिलेटिव आया था इधर कुछ केला पेला देकर गया है और साग फाग देकर गया है सब्जी बनाने के लिए ये रहा साग और ये रहा केला मैं खा लिया हूँ एक और आपके लिए ये रहा एक हाँ। इसको खाओ हाँ मेरा हाल में बेंगल के जी जी
पैसे पैसे लेकर जा रहा हूँ। चलो चलो धार करे हम नियस्ती धार 50 रुपये लेकर जा रहा हूँ। ठीक है उतना ज्यादा लेकर मत आओ, 30 रुपीज का नहीं तो 35-40 रुपीज का लेकर आओ, कम पैसे का लेकर। काम हुआ तो यार इस फेस्टिवल में हम लोग पूजा करते हैं ना, पूजा करने के लिए जो सब कुछ लगता है वही सब कुछ खरीदने के लिए पापा जा रहे हैं, पैसे वैसे बोतल फोटल और बैकपैक सब कुछ रेडी कर लिया और काली धूप में जा रहे हैं लाने के लिए। नहीं जल्दी ही पास में ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। तो अब जाइए मैं आराम से वो चिकन विकन सब कुछ कोट करूँगा, कोट करके पूरा रेडी करूँगा। हाँ। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लग जाएंगे खाना वाना बनाने में। नहीं तो ठीक है दोस्तों, और हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे आज का छोटा सा ब्लॉग्स को इतने में हिट करते हैं। आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो और यही दुआ भगवान को कि आप सबका लाइफ अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों।